Hi, my lovely viewers. Welcome to Mom Through Lens, a channel for all homemakers and moms out there, where I share my life's journey, my experiences, and lots of decor doses with you all. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. What is it that you do? आज हम मेरी लाइफ के उस पेज को फ्लिप करेंगे जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि हैविंग अ बैकअप प्लान इज वेरी इम्पोर्टेंट. प्लान क्या था वो तो मैं बताती हूँ, पर कैंसिल होने के बाद हमने क्या किया वो आपको खुद देखना होगा. We were about to go for a staycation at Gokarna और end moment में we had to cancel. Cards clean थे, suitcase packed था, all my gears were also fully charged. पर emergency आई and everything halted. Saturday morning तो इसी guilt में निकल गया कि अब क्या करें, मैं क्या ब्लॉग बनाऊं, शैल आई सूट और लेट इट गो. पर फिर सोचा अगर इसे नहीं शेयर किया तो हाउ विल आई कनेक्ट विद माय व्यूअर्स. Sakti was in no mood to shoot. अब एक ही ऑप्शन था, आई हैड टू पिच इन विद द कैमरा. तो चलिए देखते हैं हाउ आई स्पेंड दिस वीकेंड हैविंग नो बैकअप प्लान एंड विद अ वेरी लिटिल नॉलेज ऑन हैंडलिंग अ कैमरा. तो दिन कुछ इस तरह शुरू होता है. लीजी संडे में चाय की चुस्की लेने का मजा ही कुछ और है. बाप बेटी के इस अनोखे बंधन को थोड़ा और वक्त मिल जाता है. किचन से दिन शुरू करने का मन नहीं किया तो सासू माँ ने जिम्मा उठा लिया. यार ये वीकेंड तो मुझे बीच के बीचों बीच रेस्ट करना था. कोई नहीं, इस बारिश संडे और लेजीनेस के दोस्ती को भी हम मैगी के साथ चार चांद लगाएंगे. लो बन के तैयार है चार बाउल्स ऑफ मसाला ओट्स मैगी, दो वेज के और दो स्क्रैम्बल्ड एग्स के साथ. आज तो हम सब आपको यही मिलेंगे, इसी काउच पे, ब्रेकफास्ट पे भी और लंच पे भी, क्योंकि आज टीवी रोल तोड़ेगा. बेड थोड़ा लेट सजेगा, पर्दे थोड़ी देर से खुलेंगे तो सूरज की किरणें भी थोड़ी देर से ही बेडरूम में रोशनी लाएगी. टेक्निकली टेकिंग एवरीथिंग स्लो. वो कहते हैं ना, समटाइम्स द ब्लर्स इन योर लाइफ आर द बेस्ट पार्ट्स. अपना प्लान तो कैंसिल हो गया था पर कंटेंट पे कोई बैकअप प्लान नहीं था. तभी आई डिसाइडेड मैं अपनी सीधी सादी जिंदगी को रिकॉर्ड करूंगी. सीक्रेट बात बोलूं, सख्ती वॉज इन नो मूड टू शूट. अरे जी हाँ, इस वीडियो के 85% शॉट्स मैंने खुद शूट किए हैं और सख्ती से मुझे 99 मार्क्स भी मिले. मन तो मानो हवा में उड़ान भरने लगा था. ना ये प्लान कैंसिल होता, ना मैं कभी कैमरा हाथ में लेती और ना ही कभी उसे टेक्निकली समझ पाती.
एक बात तो तय है, सफर मंजिल से भी खूबसूरत होता है। और जब से मैंने ये YouTube का सफर शुरू किया है, एक होममेकर के साथ साथ जिंदगी का सफर भी खूबसूरत लगने लगा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कुछ टाइम खुद के लिए जरूर निकालना, और वो करना जो दिल को अच्छा लगे। भले ही किताब का एक पन्ना ही क्यों ना हो, अगर उससे पढ़ के सुकून मिलता है तो बेझिझक उसके लिए वक्त निकालो। कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब तो होम मेकर के जिंदगी का एक पार्ट है जिसे छुटकारा तो कभी नहीं मिलेगा। पर जब कोई काम दिल से करने लगोगे और खुद के लिए जीना स्टार्ट करोगे तो बाकी चीजें मंडेन नहीं लगती। फॉर ए चेंज, आज शक्ति और सासू माँ लंच की तैयारी में लग गए, एंड इट वॉज देयर ओन इंटरेस्ट। उन्हें भी ब्रेक मिला और मुझे भी। दो फायदे हुए, पनीर फ्राई होते होते, मटर छिलते छिलते, इन दोनों के बीच गांव में बीते बचपन पे चर्चा शुरू हो गई। और मुझे भी कुछ अनअटेंडेड काम जो मैं इग्नोर करती रहती थी, उस पे ध्यान देने का मौका मिल गया, वो अलग। I was watching Julie and Julia last night. हालांकि पिक्चर अभी बाकी है, पर जितना देखा उससे ये सीखा कि if you are inclined towards something, it will find a way to reach you. The result may not be visible, but someone somewhere is getting something from your content. और सच बोलूं, दिस होप
is the key that keeps me going. सूटकेस तो पैक था गोकर्णा के लिए, पर कपड़े वापस कबोर्ड में जाते उससे पहले मैं सुस्ते सवरते निकल गई अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने। उह, और ये टॉप कल ही ज़ारा से ली है, अच्छी लग रही है ना? फॉर मी सेल्फ केयर इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल पीस। स्किन पे तो हम सब ध्यान देते हैं, क्या मेंटल पीस पे भी उतना ध्यान देते हैं? पूछिए पूछिए और बताना भी कमेंट बॉक्स में। चलिए, मेरे नज़रिए से तो आप लोग ये वीडियो देख ही रहे हैं। अगर आप भी अपना नज़रिया मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो आई विल बी डिलाइटेड टू गो थ्रू देम। ये अनोखी कहानी जो मेरी आप बीती है, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और एक यूट्यूबर होने के नाते हर यूट्यूब की जुबानी से प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना उस बेल आइकन के साथ। मिलते हैं फिर से, टेक केयर।